और आर्हिनियस इक्वेशंस के क्वेश्चंस जो भी हैं वो तुम लोगों को एनसीईआरटी में मिलेंगे, और एनसीईआरटी के ए टू जेड क्वेश्चन सॉल्व करना ट्वेल्थ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आ जाओ हम, वेरी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना ट्वेल्थ के लिए, बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, मेरे पास कुछ बुक्स है उससे मैं दे देता हूँ, जनरल लेवल के क्वेश्चन दूंगा। लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन तुम लोग वीडियोस पॉज करके लिख लेना। लिखा है एज्यूमिंग दैट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इज 52 किलो जूल, मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी की बातें किया है, यहाँ पे मैं मिटा नहीं पाया हूँ जिसके चलते आज थोड़ा सा रफली लग रहा होगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दे रखा है 52 किलो जूल। मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूँ। What conclusion would you draw about the effect of temperature on the rate of reaction? मतलब तुम क्या conclusion निकाल रहे हो, अभी अभी आ रहे हो इतना लेट, तुम लोग क्या conclusion निकाल रहे हो इस energy of activation से कि temperature का क्या असर पड़ेगा rate of reaction पे। तो rate of reactions पे क्या असर पड़ेगा temperature का, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें एक चीज और लिखा है बेस्ड ऑन आर्हिनियस इक्वेशन, ब्रैकेट में लिखा है बेस्ड ऑन आर्हिनियस इक्वेशन, मतलब आर्हिनियस इक्वेशन का बेस्ट करके लिखा है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जब 52 है तो रेट कांस्टेंट पे क्या असर पड़ रहा है, तो रेट कांस्टेंट का असर मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू। मान लेते हैं, यहां देखना, लेट टेम्परेचर बी डबल, टेम्परेचर को डबल कर दिया गया। मेरा ब्लैक पेन कहां है, ब्लैक मार्कर, एक मिनट, नंबर है। लेट टेम्परेचर बी डबल, टेम्परेचर को डबल कर दिया गया, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, ठीक है। मान लिए तो रेट कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा फॉर ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। आर्हिनियस यही बोलता है फॉर ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, आई थिंक क्लियर। चलो इसकी अगर बात कर ले तो लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल टू ई ए की वैल्यू 52 किलो जूल, मतलब जूल में अगर रखे तो 1000 किलो जूल है ना, तो जूल में रखे तो 52 इंटू 10 का पावर 3 जूल हो जाता है, किलो को हटाते हैं तो। आकाश अभी तक जुड़े नहीं, चलो डिवाइडेड बाई 2.303, आर की वैल्यू क्या होती है जूल में, जूल में, यस अभी आ रहा है, अरे तेरा देखना, जूल में आर की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल, और एटीएम लीटर की बात करें तो 0.08 याद होगा आई थिंक। तो यहां पे 8.314 आर की वैल्यू पुट किया और सॉल्व करने की कोशिश, टी वन की वैल्यू 300 केल्विन है ना, ये चेंज करने आता है सबको, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, तो 1 बाई 300 माइनस ये हो जाएगा 1 बाई, और इसमें 273 ऐड करेंगे तो 310 डिग्री सेल्सियस केल्विन। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल टू फलाना, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है वो देखते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद एक मिनट में डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, ये तुम लोग सॉल्व भी कर लेना घर पे। इसका वैल्यू आता है, एक बार सॉल्व करना, इसमें दिया नहीं है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यूज आएंगे, मान लेता हूं मैं मान लेता हूं क्योंकि इसमें जो लास्ट आंसर दिया है वो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे कि इसका वैल्यू जो दिया होगा वो दे रखा होगा 0.3, ये पूरे सॉल्व करके 0.3 आ रहा है मान लेता हूं। ये सॉल्व करना तुम लोग घर पे, क्योंकि अभी मैं सॉल्व कराऊंगा तो पूरा टाइम ही चला जाएगा। तो K2 by K1 कैसे सॉल्व करेंगे, K2 by K1 is equal to, मैंने बताया था एंटी लॉग, लॉग एंटी लॉग की पूरी वीडियोस है उसको देख लेना एक बार, बहुत लोगों ने देख लिया होगा तो सीख भी दिया होगा। तो इसके बेस का ये पावर हो जाता है, मतलब 10 का पावर हो जाता है 0.3, 10 का पावर 0.3 की को 2 कहते हैं, मतलब रेट कॉन्स्टेंट K1 बिकम 2 K2, मतलब रेट कॉन्स्टेंट बिकम ट्वाइस, रेट कांस्टेंट बिकम ट्वाइस, यहाँ पे ये रिलेशन आता है, क्लियर है। अगर दूसरे क्वेश्चंस की बात करूं तो लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखा है द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 500 केल्विन
एंड 700 केल्विन आर 0.02 सेकेंड पर सेकेंड एंड 0.07 पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली. फुल स्टॉप करके लिखा है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड ए. ए मतलब प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड ए मतलब इसमें दिया क्या है मिटाने वाले के. चलो मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ. चलो इसमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में मैंने बोल दिया वीडियोस पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना. दिया है एट 500 केल्विन अगर टेम्परेचर T1 को अगर 500 केल्विन मानेंगे तो इस टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट है K1 वो है 0.02 पर सेकेंड. ठीक है अगर दूसरे टेम्परेचर की बात करें फॉर सेम रिएक्शन तो T2 की बात करें तो T2 दे रखा है 700. देखो ऐसे लिखना सीख जाओगे ना तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे. जो दिया है वो लिखना सीख लो. तो T2 है 700 केल्विन तो जो K2 है वो दिया है 0.07 पर सेकेंड. अब बोल रहा है कि EA की वैल्यू निकालो और A की वैल्यू निकालो ये दोनों क्या होंगे ये सॉल्व कर. अब तुम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो. मैं क्या तुम लोग को बताऊं इसको सब कोई सॉल्व कर सकता है. फॉर्मूला क्या है वो जस्ट बस बताना चाहिए. लॉग K2 बाई K1 क्योंकि यहाँ पे दोनों है. देखो कुछ कुछ लोग बोलते हैं सर वही फॉर्मूला क्यों कैसे लगाए कैसे पता चलेगा. मेरे को पता नहीं करना है K2 K1 और T2 T1 दोनों मिला जुला फॉर्मूला कौन सा है. तो लॉग K2 बाई K1 1 बाई T1 माइनस T2 वाला तो वही फॉर्मूले पे आते हैं. लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू 2.303 EA बाई 2.303 आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2. मैंने कल बताया था जब K2 ऊपर हो तो T1 पहले होगा वही चीजें यहां लिख रहा हूं. अब बात कर लो log K2 बाई K1 K2 की वैल्यू दिया है K1 की वैल्यू दिया है इसमें पुट करेंगे तो यहां पे हो जाएगा log 0. एक बार पुट करके दे देता हूं डिवाइड बाई 0.07. ठीक है ये देखो 0.02 0.07 मतलब इसका और इसका दोनों का डेसिमल हटाएंगे तो 2/7 आएगा. इज इक्वल टू ईए तो फाइन करना है. चलो ईए अगर जूल में फाइन करना है जूल में तो आर की वैल्यू 8.314 जूल में रखेंगे नहीं. चलो ठीक है 2.303 और आर की वैल्यू 8.314 रखेंगे क्योंकि एनर्जी की बात हो रही है और एनर्जी जूल में होती है एटीएम लीटर में नहीं होती है. अब अगर बात कर ले 1 बाई T1 की तो T1 कितना है 500 डिवाइड सॉरी 1 बाई 500 माइनस 1 बाई T2 तो 1 बाई 700. इस पूरे को सॉल्व करके ये की वैल्यू निकालनी है. इस पूरे को सॉल्व करते करने के दौरान यहां लॉग सॉल्व करना होगा तुम लोगों को. लॉग से मैं अभी से बोल रहा हूं और कभी से बोल रहा हूं लॉग से कभी नहीं बच सकते हो. लॉग ईच एंड एवरी टाइम तुम लोग को सॉल्व करना होगा. ठीक है तो यहां से आ जाता है एक्टिवेशन एनर्जी. मान लेता हूं एक्टिवेशन एनर्जी जो इस बुक्स में आंसर दिया है उसके अनुसार इसको तुम लोग सॉल्व करना. नहीं आया आंसर तो फिर मेरे से मिलना. मान लेते हैं इस बुक के अनुसार कहां गया क्वेश्चन. ये रहा एक्टिवेशन एनर्जी जो आया 18230 मतलब 18.230 किलो जूल में आया. ठीक है ना. अब हमको निकालना है ए वी तो ए निकालना तो और आसान है. एक ही फॉर्मूला लगाएंगे जैसे log K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303. इसको किलो जूल में नहीं जूल में ही रख लो क्योंकि किलो जूल को फिर जूल में बदलोगे तो क्या फायदा. तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2.303 आर की वैल्यू 8.314 मतलब अभी तो फॉर्मूला लिख रहे हैं आर टी टी की वैल्यू कितने हैं K1 रखे हैं तो T1 रखेंगे 500. अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये की वैल्यू मालूम है आर की वैल्यू मालूम है K1 की वैल्यू मालूम है तो यहां से लॉग ए की वैल्यू आएगी. अब लॉग ए की जो वैल्यू आई है वो मैं बताता हूं 0.2053 ऐसा आया है. तो अब यहां से ए की वैल्यू कैसे आएगी तो जब तक एंटी लॉग नहीं आता है मैं क्या कोई नहीं बता पाएगा इसको. तो यहां पे ए की वैल्यू जो आएगी 1.6 पर सेकेंड आएगी. ठीक है
लॉग और एंटी लॉग की भरपूर यूज है इस पूरे लेसन में सॉल्व करने में, या इधर फर्स्ट ऑर्डर कर रहे हो या फिर आर्हेनियस कर रहे हो। ये आर्हेनियस का दूसरा क्वेश्चन था। देखो जो भी दिया वो अगर उसको लिख लेते हो ना तो क्वेश्चन सिंपली बन जाता है, और नहीं लिख पाते हो तो क्वेश्चन बनने में दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात कर लें। देखना तीसरा क्वेश्चन बोलता है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन करते हैं, रुको, ये पूरे आज आर्हेनियस के ही क्वेश्चन करवाऊंगा, मिक्स नहीं करवाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन बोलता है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, लिखना क्वेश्चन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन लिखना, टू एच आई गिव्स एच टू प्लस आई टू, दिस वन। इसके बाद से लिखा है इज कॉमा करके, इज 209.5 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल ये दे दिया है एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बाद से पूछा एट 518 केल्विन, 518 केल्विन पे वो एक्टिवेशन एनर्जी है। अब पूछा कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, समझ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। देखिए कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ जो कि एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है। मतलब ये कि इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी है, इसका साफ मतलब है कि वो प्रोडक्ट बना रहा है। अगर वो प्रोडक्ट बना रहा है इसका मतलब हमारे पास ये वाले फॉर्मूले आ जाएंगे, K इज इक्वल टू ए टू दी पावर माइनस ए बाई आर टी, ये दिया था ना कि रेट कांस्टेंट कितना होगा, रेट कांस्टेंट कितना होगा जब टेम्परेचर हम लोग डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, चार गुना करेंगे, मतलब वो प्रोडक्ट बना रहा होगा तब। ठीक है, तो अभी एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 8.314 क्योंकि जूल में रखना है। ये क्या हो गया, R की वैल्यू रखेंगे 8.314 क्योंकि हमको जूल में रखना है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या, एक मिनट मैं बना देता हूं इसको, उसके बाद से बताता हूं। तो यहां पे आ जाएगा K बाई A, A को अगर इधर लेके आते हैं क्योंकि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर दे रखा है ये, तो K बाई A इज इक्वल टू E टू द पावर माइनस 209,500 जूल डिवाइडेड बाई R की वैल्यू 8.314 हो जाएंगे और T की वैल्यू 518 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको पुट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा अपन के पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखना ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर दैट हैव इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू लॉग के बाई ए, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ, मतलब ये सॉल्व करना है, मतलब के बाई ए की वैल्यू जो है वो आ चुकी है, तो टेकिंग ln बोथ साइड, अगर ln दोनों साइड लेते हैं तो ln k by a equal to ln e to the power minus 209,500 divided by, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना 8.3 × 518। ठीक है, ये टर्म आगे आएगा तो हो जाएगा 209,500 divided by 8.3 × 518 ln e = ln k by a। जब 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो log k by a is equal to, ठीक है ना, log k by a is equal to फलाना, मतलब इतना टर्म। अब हमको निकालना क्या है, log k by a, तो log k by a is equal to जो भी ये टर्म को अगर मान लेते हैं x है तो ये x divided by 2.303। इसको थोड़ा सॉल्व करना, इसका जो आंसर आएगा, मैं आंसर पे डायरेक्ट आ जाता हूं, एक मिनट
यहाँ पे मेरे को के बाई ए निकालना है ना, लॉग के बाई ए नहीं, के बाई ए निकालना है, ठीक है। तो लॉग के बाई ए इज इक्वल टू इतना आ जाएगा, तो के बाई ए जो आएगा, देखना लॉग के बाई ए की जो वैल्यू आएगी वो इतना आएगी, मतलब ये वैल्यू उसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, माइनस 18 पॉइंट, ये माइनस में है जी, माइनस 18.8 इतने आती है लॉग के बाई ए की वैल्यू। तो के बाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 to the power -18.8, मतलब इसका अगर एंटी लॉग में ले जाके सॉल्व करें, ये एंटी लॉग है, लॉग और एंटी लॉग बिना सीखे मैं बोल रहा हूँ, आरिनेस के एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा, तो एंटी लॉग लॉग पहले सीख लेना। के बाई ए की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 10 to the power -18, तो एक साइड -19 आ जाएगा एक साइड, और ये 0.2 मतलब 1.6 अप्रॉक्स, 1.7 अप्रॉक्स, आंसर देख लो 1.47 आ रहा है, 1.5 अप्रॉक्स ये वैल्यूज आ जाती है यहाँ पे के बाई ए की। के बाई ए को ही हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके लिखना, के बाई ए का मतलब होगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, दैट हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आ गया। अभी अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, एक और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है क्या, देखते हैं, है ना इधर, अच्छा क्वेश्चन है, लिखेंगे, पहले मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाई फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब रेट कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, देखना क्वेश्चन दे रहा है कि H2O2 के डिकम्पोजिशन की बात हो रही है, और उसके रेट कॉन्स्टेंट जो है वो दे रखा है log k इज इक्वल टू, रेट कॉन्स्टेंट देखो कैसे दे रखा है, log k इज इक्वल टू 14.34, ये एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन हुआ, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1.25 × 10⁴ / T, यहाँ केल्विन दिया है, केल्विन तो यूनिट है, खैर इससे कोई मतलब नहीं, ये दिया हुआ है और बोल रहा है फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी एंड एट व्हाट टेम्परेचर, मतलब किस टेम्परेचर पे विल इट्स हाफ पीरियड बी 256 मिनट, ये पूरा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब इसमें समझ जाते हैं, पहले निकालना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये निकालने की बात कर रहा है सर, एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से आएगा, तो पहली बात की ये फॉर्मूला है कहाँ से आया, तो log k इज इक्वल टू सुनना, log a माइनस ea बाई 2.303 RT, यही है ना, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, अगर कंपेयर करें दोनों को, सुनना कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, खाली कंपेयर नहीं करना है, कंपेयर करके कंक्लूजन लिखना है, खाली कंपेयर करने से कुछ ना होगा। अब सुनना थोड़ा सा, log k इज इक्वल टू log k, मतलब इस साइड का बराबर तो इस साइड का पूरा बराबर होना मांगता है, log a इज इक्वल टू दिस मच, क्योंकि ये log a की जगह पे दिए रखा है, माइनस इस पूरे ए बाई 2.303 R की बात अगर करें तो ये पूरा वैल्यू आएगा 2.303 R की बात, क्योंकि 1/T इज इक्वल टू 1/T, मतलब यहाँ पे कंपेयर करने पे ए डिवाइडेड बाई 2.303 R की वैल्यू अगर रखे 8.314 इज इक्वल टू 1.25 × 10⁴ आएगा, बोलो आएगा ना, चलो ये जूल में आएगा कि किस में आएगा, तो ये जूल में रखे हैं ना हम लोगों ने, इसका वैल्यू जूल में रखा है, तो जो भी एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू आएगा जूल में आएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 1.25 × 10⁴ इंटू, ये पूरे टर्म को इंटू कर देंगे, 2.303 × 8.314, तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा, क्लियर हुआ क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अभी बात है कि एक्टिवेशन एनर्जी आखिर कितना आया, तो वो मैं लिख के दे देता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी है 2.39 किलो जूल, सॉरी 10⁵ जूल पर मोल, जूल में ही लिखा है, जूल में लिख लो, किलो जूल में लिखना होगा, 10�³ को हटा देंगे, किलो लगा देंगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो था बोला है कि किस टेम्परेचर पे
किस टेम्परेचर पे इसका हाफ लाइफ जो है, हाफ लाइफ मतलब आधी जिंदगी, वो हो जाती है, किस टेम्परेचर पे इसका हाफ लाइफ जो है वो हो जाएगा 256 मिनट। हाफ लाइफ 256 मिनट होना मतलब यहां तो कोई भी फॉर्मूला में हाफ लाइफ की वैल्यू तो आएगी नहीं सर, हाफ लाइफ की वैल्यू नहीं आएगी। अब बातें आती है कि हाफ लाइफ की जब वैल्यू नहीं आ रही है तो हम लोग कैसे सॉल्व करें इस तरह क्वेश्चंस को। तो देख मैं एक्टिवेशन में जितना आ चुका है मैं यूज करूंगा इसका। हाफ लाइफ की वैल्यू जो होनी चाहिए सर 256 मिनट, बोलिए ठीक है। हाफ लाइफ हमको नहीं चाहिए और इतना मतलब मेरे को क्या चाहिए, के चाहिए, के। तो हाफ लाइफ को के में बदलने का फॉर्मूला 0.693/t½। तो k इज इक्वल टू 0.693/t½, ये फॉर्मूला है। अपन लोग t हाफ की फॉर्मूला पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर के, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.693/256। इसको मिनट में रखे कि सेकंड में, जो आंसर पूछ रहा है मिनट में रखने के लिए तो मिनट में, सेकंड में तो सेकंड में। अब क्या है कि बोर्ड्स में किस में रखे, तो बोर्ड्स में जिसमें दे रखा है बस उसी में रखने देंगे, आगे किसी में चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा पर मिनट, k की वैल्यू इतनी हो गई। अच्छा अब k की वैल्यू इतनी आ गई, सुनना, एक तो यहाँ पे रखेंगे log k इज इक्वल टू, सुनना, जीरो log k, k की जगह पे क्या रखेंगे 0.693/256। यही है log, सॉल्व करने नहीं आएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं खिलेगा। देखो ये सॉल्व करना, इज इक्वल टू 14.34 - 1.25 × 10⁴ डिवाइडेड बाई टी, यही टी कैलकुलेट करना है। तो टी फाइंड करा, जब लॉग की वैल्यू ये वाली सॉल्व, लॉग की वैल्यू ये वाली सॉल्व हो जाएगी तो ये पूरे सॉल्व करने के बाद टी की वैल्यू आती है। ये तुम लोग जब सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आएगी 739.3 केल्विन। सॉल्व करके देखना सब क्वेश्चन को। जब भी मैं बोलूँ कि इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, इसकी मतलब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जल्दी से सॉल्व हो गया है, आंसर्स लिख ले। कैलकुलेशन करेंगे तो दो ही क्वेश्चन में टाइम खत्म हो जाएगा। चलो अगली बात अगर कर लें, अगले क्वेश्चन की देखना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिससे कि कंपेयर करके हम लोग फॉर्मूला कंपेयर करके वैल्यू निकालते हैं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन का। इसके बाद से क्वेश्चन दे रखा है, सुनना, द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इंटू प्रोडक्ट, ए कोई का सब्सटेंस है इनटू प्रोडक्ट में टूट रहा है, हैज वैल्यू ऑफ के एज, मतलब के की जो वैल्यू है वो दिया है 4.5 × 10³ पर सेकंड। देखना, अच्छा क्वेश्चन में पूरा बोल देता हूं उसके बाद आगे लिखता हूं। पर सेकंड एट 10 °C द एक्टिवेशन एनर्जी इज 60 kJ/mol फुल स्टॉप। एट व्हाट टेंपरेचर वुड के, मतलब रेट कांस्टेंट, बी के बिकम लिख सकते हो बी को छोड़ के 1.5 × 10⁴ पर सेकेंड। मतलब देखना यहाँ क्या दिया है, K1 दिया है 4.5 × 10³। क्यों K1 लिखे सर, क्योंकि यहाँ पे एक और भी K दे रखा है तो उसको K1 और उसको K2 करना पड़ेगा। K2 दिया है 1.5 × 10⁴, दोनों सेकेंड में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब दिया ये वाला K1 जो दिया है ये टेम्परेचर 60 °C पे दिया है, सॉरी 10 °C पे दिया है, और दूसरा वाला जो पूछ रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर, मतलब दूसरा टेम्परेचर क्या होगा, तो ये T1 ये T2 क्या होगा, जबकि एक्टिवेशन एनर्जी दिया है 60 kJ, मतलब 60 × 10³ जूल, जूल में बदल लेना, किलो जूल में कभी मत रखना। अब बोलो ये क्वेश्चन किससे नहीं बनेगा, मैं इतना देर से क्या कर रहा हूँ सर, जब K1 K2 T1 T2 दिया है तो फॉर्मूला क्या है, log K1 by K2 या K2 by K1, देखो ये फॉर्मूला में बताया था, ऊपर में कुछ भी ले सकते हो, नीचे में कुछ भी ले सकते हो, इज इक्वल टू EA/2.303 R1 by क्या लिखे, जब K1 ऊपर है तो T2 पहले -T1, अब भाई K2 by K1 लिखते हो तो T1 - T2, फॉर्मूला रॉन्ग नहीं होगा, यही आएगा। अब देखना इसमें K1 की वैल्यू दे रखी है, K2 की वैल्यू दे रखी है, EA की वैल्यू दे रखी है, T1 की वैल्यू दे रखी है, T2 पूछ रही है, इजी टू सॉल्व। अब तुम लोग पेन उठाओ, कोशिश करो कि जो दे रखा है वो लिखो और सॉल्व करने की, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कराया है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ तुम लोगों को, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कराया आपने। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन
इज इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर इट्स 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन इफ द वैल्यू ऑफ ए इज 4×10⁻¹⁰ पर सेकेंड. कैलकुलेट के एट 318 केल्विन एंड ई ए. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये आन बान शान है, ये आईटी एडवांस तक पूछा गया है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछेगा, ये कहीं लिखा हो तो मेरे को बताना कि आईटी में पूछ चुका है, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो मैं बोर्ड में नहीं पूछ सकता हूँ. बिल्कुल पूछा है बोर्ड्स में, मैंने जब अपने समय में दे रखा था बोर्ड्स तो मैं सीबीएसई से दिया था, तो मैं जब बनाता था क्वेश्चंस तो उस समय में ये क्वेश्चन मेरे को मिला था. ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक क्वेश्चन है पूरे एनसीईआरटी में, क्योंकि इसमें दो तीन क्वेश्चंस डाले हुए हैं, एक क्वेश्चन से नहीं बनेगा, तीन क्वेश्चन डाले हुए, समझना क्वेश्चंस को. इसमें दे रखा है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन. सुनना, अगर मैं बातें करूँ, देखना अलग अलग बुक सॉल्व करके देता है तो वो अलग अलग धंधे से सॉल्व करता है, उससे नहीं जाना किसी बुक से, जो तुम लोग जानते हो. टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्या लिखा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन, 10% कंप्लीशन ठीक है, एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीशन, मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन ठीक है, 308 केल्विन ये रखा ना, ये दोनों बराबर हैं. हमको क्या पता है, टाइम का कोई फॉर्मूला में के पता है, तो अगर टाइम हमारा इतना है तो इसके फॉर्मूला लिखते हैं. टाइम इज इक्वल टू व्हाट, सुनना फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है. देखना आर्हिनियस इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला यूज कर दिया, मतलब मैंने शुरू में ही बोला यहाँ तीन तीन फॉर्मूला यूज होंगे. देखो टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर इनिशियल बाई, बोलो आर फाइनल, ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है. यूज दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्मूला. टाइम, टाइम की अगर बात करें सुनना, तो टाइम 10%, तो जो टाइम 10% की फॉर्मूला है वो लिखते हैं 2.303 सुनते जाना बाई के, के की वैल्यू क्या रखे, के एट 298 केल्विन वाला, ये 298 केल्विन वाला के है, इसको के वन लिख सकते हो, के टू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं 298 ही लिखता हूँ, चलो बाद में चेंज कर लेना तुम लोग चेंज करना. लॉग आर इनिशियल कितना है इस पे, 10% खत्म होने में, मतलब आर इनिशियल 100 मानते थे, याद है शुरू का वीडियोस, आर इनिशियल 100 मानते थे, खत्म हुआ 10%, मतलब बचा कितना 90% इज इक्वल टू टाइम, दिस इस टाइम की फॉर्मूला लिखेंगे तो 2.303 बाई के, के की वैल्यू क्या लिखे, के 308 बोलो चलेगा. ऐसे सॉल्व करोगे तो आसानी सॉल्व होगा. बुक्स जो भी हैं साइड बुक्स, मैंने बहुत सारे बुक्स में इसका एग्जाम्पल्स देखा, लंबा लंबा सॉल्व करता समझ में नहीं आएगा इसकी, गारंटेड है. देखते जाना, देखना तुम लोग पास भी होगा तो. लॉग आर इनिशियल की वैल्यू, आर इनिशियल 100, तो 25% खत्म हो गया तो बचा कितना 75%. अब ये लॉग और ये लॉग को सॉल्व करो और ये 2.303 कैंसिल हो गए, तो ये 298 इधर आ जाता है. लॉग 10/9 लॉग 4/3 कैंसिल कर दिया मैंने, क्योंकि ज्यादा स्पेस मेरे पास नहीं, ये लंबा जाएगा नहीं कर तो. याद है ना लॉग 10 - log 9, लॉग 10 - log 9 लिखेंगे, लॉग ए बाई बी को, बोलो बाई के 298 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, लॉग 4 - log 3 बाई के 308 लिखेंगे. अब पता चलेगा यहां से कि के 298 बाई के 308 मतलब के को इधर ला के रख दिए, और इस पूरे वैल्यू को लॉग 4 - 3 को, लॉग 4 - log 3 को इधर ला के रख दिए, मतलब ये हो जाएगा लॉग 10 - log 9 डिवाइडेड बाई लॉग 4 - log 3. अब इस सारे लॉग की वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो मैं लिख देता हूं, यहां तो उस सॉल्व में नहीं लिखा है, खैर देखो जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ उस तरह से यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं नहीं छाप सकता. तो लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 9 की वैल्यू तुम लोग को नहीं पता है तुम लोग अपना देख लेना, लॉग जब तक नहीं देखोगे मैं शुरू से बोल रहा हूँ, केमिकल काइनेटिक्स नहीं छुपाओगे. लॉग 9 की वैल्यू होती है 0.95,
डिवाइडेड बाय लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.477। इसको सॉल्व करने के बाद लॉग फलाना बाई फलाना की वैल्यू, लॉग के 98 बाई 300 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ये 0.05। सुनना, 0.05 डिवाइडेड बाई, इसको माइनस कर देंगे तो 0.321, 0.123। इसको जब सॉल्व करना, कैलकुलेट करो डिक्शनरी मतलब वो लगाओ, तो के 298 बाई के 308 की वैल्यू कुछ आएगी, कुछ आएगी। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, एक्चुअली ये आती है लगभग मेरे अनुसार, अगर इसको एक यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको दोनों साइड जीरो को हटाता हूँ, रुको एक मिनट, इसको दोनों पॉइंट को इधर लेके जाऊँगा तो ये 5 आएगा, इसको एक पॉइंट इधर लेके जाऊँगा तो 4 टाइम्स में, लगभग 4 टाइम्स में कटेगा, ये 1.25 होता तो 5 को 4 टाइम्स में कट करता है, तो 1.23 है तो 4 मतलब 4.2 आएगा, 4.1 आएगा, मैं 4 ही लेके चलूँगा खैर, तो ये 0.4 हो जाएगा। खैर ये कटने के बाद 0.4 हुआ, ये तुम लोग मोबाइल से देख लोगे, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है सुनना, ये के टू बाई के वन की रिलेशन, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में था कि इफ द वैल्यू ऑफ ए इज फलाना, कैलकुलेट के, के निकालना है एट 318 केल्विन एंड एक्टिवेशन एनर्जी सॉल्व करना है, मतलब देखना। और यहाँ पे एक चीज और है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, के निकालना है 318 केल्विन पे और एक्टिवेशन एनर्जी सॉल्व करना है, ठीक है। फिर एक्टिवेशन एनर्जी के लिए क्या करेंगे, देखना, लॉग सुनना के टू बाई के वन मतलब के 298 बाई 308 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या जानते हैं, ई ए बाई 2.303 आर 1 बाई, ऊपर वाला पहले लिखेंगे कि नीचे वाला, तो नीचे वाला पहले लिखते हैं, तो नीचे वाला पहले लिखेंगे 308 माइनस 1 बाई 298। सॉल्व करने के बाद ई ए निकालो यहां से, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा, क्लियर है। एक्टिवेशन एनर्जी जब आ जाता है तो हमको निकालने के लिए बोल रहा है कि फाइंड के एट 318, ए दे रखा है और बोला के निकालो टेम्परेचर जब 318 है, तो ये तो बकवास क्वेश्चन हो गया, के निकालना है ये पता है, तो के इज इक्वल टू लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए, ए दे रखा है, ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, टी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, तो के की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करना। जब तक लॉग नहीं सॉल्व करने आएगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, शुरू से ही बोल रहा हूँ, लॉग विदाउट लॉग केमिकल बॉन्डिंग्स आर नथिंग, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स इज नथिंग फॉर यू इन द केस ऑफ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाओगे। लॉग को अच्छे से देखो, मेरी वीडियोस पड़ी हुई है पीछे में, एक बार जाके सर्च करो, मैं उतना थोड़ा सा आई बटन ये बटन वो बटन नहीं दे पाऊंगा, तुम लोग जाके पीछे सर्च करो या फिर किसी और का भी सर्च करो, जिसका भी सर्च करके देखना है देखो, लेकिन मेरे वीडियोज़ में जो लॉग जितने लेवल का मिलेगा उतना लेवल का कहीं नहीं मिलेगा, ये एक सीक्रेट है, किसी को बताना भी नहीं। चलो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दे रखा है द रेट कॉन्स्टेंट, यहाँ देखा तो लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, दे रखा है द रेट कॉन्स्टेंट, सॉरी द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 टू 313 केल्विन, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। मतलब रेट कॉन्स्टेंट 4 गुना हो जा रहा है, कब, जब टेम्परेचर फलाना से फलाना चेंज हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है। अब लो ये क्वेश्चन में तो और दम नहीं है, मतलब देखना यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, के टू बिकम, के टू इज इक्वल टू 4 के वन, रेट कॉन्स्टेंट बिकम 4 गुना, रेट कॉन्स्टेंट बिकम 4 टाइम्स, ठीक है। वेन टी वन इज इक्वल टू, टेम्परेचर कहाँ बोल रहा है, रुकना, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 टू 313, टी वन इज इक्वल टू 293, टी टू इज इक्वल टू 313, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो पहला ही क्वेश्चन हो गया सर, ऐसा ही घिसा पीटा क्वेश्चन मैंने शुरू में किया था, कैसे, देखो लॉग के टू बाई के वन, बस यहाँ पे चेंजेस क्या है कि के टू के वन की वैल्यू नहीं दिया, रिलेशन दिया है, तो
ए बाई 2.303 आर 1 बाई, जब के टू रखा तो टी वन रखेंगे पहले, टी वन क्या है 293, ठीक है, माइनस 1 बाई 313। अब यहां पे के टू की वैल्यू 4 के वन रखने पे ये के वन के वन कैंसिल हो जाएगा लॉग से, लॉग में, तो लॉग 4 की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू 8, आर की वैल्यू 8.314 पुट करेंगे। ये पूरे सॉल्व करने के बाद जो आंसर्स आएंगे 52.85 किलो जूल, 52.854 किलो जूल ये आ जाएंगे किलो जूल में, मतलब जूल में तुम्हारा आंसर आएगा 52854 जूल, उसको किलो जूल में बदलना, 3 डेसिमल इधर रहा, क्लियर है। ये कुछ एनसीईआरटी के एक्टिवेशन एनर्जी के प्रश्न थे जो कि थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं। इनको तुम लोग एक बार देखने के बाद फिर से अपने मन से उसको सॉल्व कर बैठ गए कि कितना समझे ये पता चले, ठीक है। और ये कॉपी में होना चाहिए, तो कॉपी में रहेगा, मैं आऊँगा क्लास में चेक करूँगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर, ठीक है, आज का रहने देते हैं इतना लेक्चर, काफ़ी टाइम भी हो गया। कल हम लोग संडे है, कल एंजॉय करो, कल एक मोटिवेशनल लेक्चरर मैं शेयर करूंगा, 2 मिनट के होंगे, देखना थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, पढ़ाई करना। इसके बाद हम लोग जो लेसन शुरू करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ही बेहतरीन लेसन, इनऑर्गेनिक का लेसन है। क्या नाम है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मस्ट वॉच। जो लोग छोड़ दिए हैं, जो लोग थोड़ा सा बीच से ज्वाइन किए हैं, वो लोग अभी शुरू से ज्वाइन रहेंगे, ठीक है। चलो बाय।